चुनाव से पहले एक बार फिर मतदाताओं के नाम की सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। Political.in नामक सर्वे कंपनी ने कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया है कि 2003 से अब तक मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है। यह कंपनी मतदाता सूची पर सर्वे करती है। कंपनी के फाउंडर CEO विकास जैन ने यह आरोप लगाया कि लगभग 2 करोड़ लोगों का नाम फर्जी है। यह मामला आज कांग्रेस भवन में PCC चीफ समेत कांग्रेस के आला नेताओं की मौजूदगी में Political.in के CEO विकास जैन ने किया। उन्होंने बताया कि 2003 से अब तक मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की गई है। लाखों लोगों का नाम फर्जी तरीके से जोड़ा गया है। 2013 से अब तक मतदाता सूची में हर साल 1 से 1.5 लाख लोग बढ़े हैं। 2013 के मतदान में 7 से 8 महीने मतदाता बढ़े 1,81,79,480 मतदाता हैं। इनमें 91,46,97 पुरुष और 9,32,553 महिलाएं हैं, जिसमें 2,12,424 मतदाता डुप्लीकेट हैं। 35,802 लोगों की आयु में फेरबदल कर डुप्लीकेट मतदाता बना दिया गया है। एपिक नंबर में गड़बड़ी कर 1,679 डुप्लीकेट हैं। 939 लोगों का 50-50 बार नाम है। विकास जैन का दावा है कि 10 विधानसभा में जीत की मार्जिन डुप्लीकेट मतदाताओं से कम है। सन 2003 से लेके 2018 तक मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम छत्तीसगढ़ में सिलसिलेवार तरीके से तकरीबन हर साल 1 से 1.5 लाख मतदाता जुड़ते रहे और अभी 1,80,00,000 के ऊपर मतदाता हैं। आपके सामने जो चार्ट है वो पहली बार, ये काम वैसे इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, अब उन्होंने नहीं करा तो अपन ने कर दिया, ये पहली बार आपके समक्ष ये चार्ट है और इसमें आप देखेंगे कि हर साल 1 से 1.5 लाख के बीच में मतदाता बढ़ते हैं, जो कि स्वाभाविक है। सिवाय 2013 विधानसभा और 2014 लोकसभा चुनाव के बीच में 6 से 8 महीने के फासले में 7 से 8 लाख मतदाता बढ़े, 7 से 8 महीने में, जहां साल भर में लाख मतदाता बढ़ते थे वहां महीने भर में लाख मतदाता बढ़ने लगे। इसी तरह की कई गड़बड़ियों से हमने ये सबक लिया कि यार इस मतदाता सूची की पूरी जांच पड़ताल सही ढंग से होनी चाहिए। 2,12,424 लोग डुप्लीकेट हैं 1,81,00,000 की मतदाता सूची में, और ये डुप्लीकेट वोटर बिल्कुल संभावित डुप्लीकेट नहीं, पक्के डुप्लीकेट हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची में 95% लोगों के सरनेम जुड़े हुए हैं, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं है। For more information, log on to www.clips.in.